ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आप सभी ने शिवानी दीदी को सुनकर एक लक्ष्य बनाया। उन्होंने जो 3 दिन का योग शिविर का कहा उसको प्रैक्टिकल में किया। अब आगे के लिए कुछ और भी करना है या नहीं? हाँ, हमारी सुनीता बहन बहुत बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रही थी। इसमें सुनीता दीदी का कोई स्वार्थ है क्या? उनका कोई स्वार्थ नहीं है, परंतु अपने स्नेही भाई बहनों से के जीवन में कुछ आए। जैसे कोई अपना नजदीक का होता है ना, तो क्या करते हैं, भावना रहती है ये भी ऐसा बन जाए, इसको भी ऐसा मिल जाए, ये भी अच्छा हो जाए, है ना, इसको भी कुछ प्राप्ति हो जाए। तो ऐसे ही हम सब एक बाप के बच्चे हैं, एक ही घर के रहने वाले हैं और फिर सबको एक ही घर वापस जाना है। तो हम भाई बहनों का भी अंदर से भाव क्या रहता है कि मेरा एक एक भाई बहन जैसे मैं आत्मा पावन बन रही हूं, भगवान के साथ चलने का अपना प्लेटफॉर्म बना रही हूं, ऐसे ही मेरे सब भाई बहने वैसे ही बने। क्योंकि जाने का तरीका 3 तरह का है। एक है प्यार से चलना, एक है मार से चलना। हाँ, 2 प्रकार से समझे। चलना कैसे पसंद है, सब कैसा चलने चाहते हो? कोई मार से चलना चाहते हो क्या? कोई नहीं। सब प्यार से चलना चाहे। तो जब हम प्यार से चलना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? प्यार के सागर से हम सबको जुड़ना पड़ेगा, तभी तो चल सकेंगे। तो परमात्मा पिता हम सबको प्यार से ले चलने के लिए आया, अपनी पलकों पर बिठा करके ले चलने के लिए आया। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई भी बच्चा धर्मराजपुरी में उसे सिर झुकाना पड़े। सम्मान के साथ चले, हिसाब किताब चुकतू वहां ना करना पड़े। जो कुछ चुकतू करना वो यहां ही चुकतू करके खत्म कर देना। तो आप सब तैयार हो चलने के लिए? सभी ने कहा हम तो प्यार से चलेंगे। तो बाप की अंगुली पकड़ लो। एक बार की बात सुनाती हूँ। माउंट आबू में जो भगवान से हम लोगों का मिलन का कार्यक्रम चलता है बीच बीच में, तो उसमें एक भाई को बाबा ने कहा, बच्चे अंगुली पकड़ ली है? तो भाई बड़े प्यार से कहता, अपने यहाँ का ही है कासन का ही, बाबा मैं उंगली पकड़ूंगा तो हो सकता है मैं कभी छोड़ भी दूं, आप मेरा उंगली हाथ पकड़ लो। मैं जानता हूं कि आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते, मैं उंगली छोड़ सकता हूं लेकिन आप मेरा हाथ नहीं छोड़ सकते, इसलिए आप पकड़ो। और आज भी बहुत बुजुर्ग हैं, अपने यहाँ रजपुरा है ना, रजपुरा वहाँ के भाई हैं, परसों आए थे मिलने के लिए। बुजुर्ग हो गए हैं, 90 के आसपास से। आप समझिए आज भी उनकी मुरली मिस नहीं होते। वो पढ़ पाते हैं तो पढ़ते हैं, और नहीं पढ़ पाते हैं तो बच्चों से सुनते हैं। पोते वगैरह हैं उनके, तो वो उनको सुनाते हैं। और आप सबको 3-3 दिन करके बढ़ाया जा रहा है। 3 दिन आपने राजयोग शिविर सुना,
अब आगे 3 दिन ज्ञान शिविर करके, क्योंकि ज्ञान और योग दोनों ही एक जीवन की गाड़ी के दो पहिए हैं, और जब दोनों ही पहिए सही रीति से चलते हैं तो गाड़ी आसानी से पार हो जाती है। एक पहिया आगे चले एक पहिया पीछे चले तो काम चलेगा? नहीं चलता है ना। और वैसे भी जिंदगी कितने दिन की है, कितने दिन की है बताएं, भाई लोग बताएं, हैं? कोई फिक्स नहीं है, आप लोग बताएं कितने दिन की है। कोई जिंदगी का वो नहीं है, ठेका नहीं है कि कितने दिन हम चलेंगे। हाँ, लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम, जिंदगी का एक दिन का फक्र पता नहीं है कि अभी क्या होगा अगला पल, और इंतजाम हम बरसों का करते हैं, और हम फिर भी कहते हैं कि जिंदगी 7 दिन की है। 7 दिन का कोर्स कहा जाता है ना बार बार आप लोगों को, जिंदगी 7 दिन की है, 8वां दिन कभी नहीं आता है। क्या आता है बताइए, आता है 8वां दिन? अगर आज शुक्रवार है तो 8वां दिन क्या होगा? 8वां दिन होगा, 7वां दिन नहीं होगा। 7 दिन तो गुरुवार को ही पूरे हो जाएंगे। तो जिंदगी 7 दिन, इन 7 दिनों को हमें क्या करना है, अपने इन 7 दिनों में, किसी भी दिन हम जा सकते हैं, लेकिन इन 7 दिनों में हमें अपने आप को मजबूत बनाना है। हमें रविवार क्या कहता है, रविवार को इतवार भी कहते हैं, इतवार कहते हैं ना, इतवार, ईश्वर पर करो एतवार, विश्वास करो। अगर उस परमात्मा के ऊपर विश्वास हो गया तो दूसरा दिन आता है सोमवार। सोम रस आपको अपने आप ही मिलना शुरू हो जाएगा। अगर परमात्मा में विश्वास है तो सोम रस स्वतः ही मिलेगा। और तीसरा दिन मंगलवार, मंगलम भगवान विष्णु, जीवन में मंगलमय जीवन बनना आरंभ हो जाएगा। और जब मंगल मिलन होगा परमात्मा से तो बुद्धि का ताला खुल जाएगा। बुधवार बुद्धि का ताला खुल गया। फिर आता है बृहस्पतिवार, बृहस्पति डे। बृहस्पति पर क्या करते हैं, जो भी शुभ कार्य होता है ना वो बृहस्पति पर बिना पंडित जी के पूछे आप कर सकते हो। और लौकिक में विद्या अध्ययन करने के लिए भी बृहस्पतिवार को बच्चे को बिठाते हैं, पट्टी पूजन कराते हैं। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी और पट्टी पूजन कराया गया तो बृहस्पतिवार का ही दिन था। बृहस्पतिवार सारी ग्रह दशाएं समाप्त हो जाएंगे और तब दिल से निकलेगा प्रभु तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बनाया। और शनिवार जो भी ग्रहचारियां हैं, ग्रह दिशाएं कहते हैं ना, ग्रह खराब है, हमारे जो है ना अभी ग्रह खराब चल रहे हैं, परमात्मा कहता अगर ये 6 दिन आपने सुधार लिए ना अपने, तो शनिवार की, शनि की, राहु की, जो भी राहु केतु शनि की दशाएं हैं वो सब समाप्त हो जाएंगी। तो हमें अपने जीवन को ऐसा बनाना है। फिर बात, एक बात और सुना, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता है, कहावत कहते हैं ना, हम कहते हैं हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो एक बार कहानी सुना रही हूँ, एक बार इन 5 उंगलियों में झगड़ा होने लगा,
और हर उंगली कह रही थी मैं बड़ी। अंगूठा कहता था मैं बड़ा, ये कहती थी मैं बड़ी, ये कहती थी मैं बड़ी। कि इसको तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं, तो बड़ी है ही है। इसने कहा मैं बड़ी, इसने कहा मैं। आपस में लड़ रहे थे तो एक संत जी वहां से निकले, भाई क्यों आपस में लड़ रहे हो? तो कहा कि ये सब कह रहे हैं कि मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। उन्होंने कहा अच्छा बताओ कैसे आप लोग बड़े हो, कौन बड़ा है? तो सबसे पहले हाँ अंगूठे ने अपना दावा किया कि मैं बड़ा हूं। कोई भी जमीन जायदाद का कोई पट्टा होता है तो जब तक मेरा अंगूठा मेरा निशान नहीं लगता, भले ही सिग्नेचर हो जाए लेकिन अंगूठा जरूर लगाना पड़ता है, तब तक वो प्रॉपर्टी उसकी नहीं होगी। बात तो सही। इसने कहा मैं बड़ी हूं। कहा तुम कैसे बड़ी हो? कहा मैं सबको उस बड़े परमात्मा से मिलने का इशारा करती हूँ, इसलिए मैं बड़ी हूँ। भगवान से मिलने के लिए कभी भी कोई बात हो ना तो हाथ कहाँ जाता है, उंगली कहाँ जाती, ऊपर ही जाती है। इसने कहा मैं बड़ी हूँ। अच्छा भाई तुम भी ठीक हो। इसने तो कह दिया कि भाई मैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं तो हूँ ही बड़ी, चेक कर लो है ना बड़ी। इसने कहा मैं तुम बड़ी कैसे हो? उसने कहा जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो इसी से मेरी उंगली से तिलक लगाया जाता है, विजय का तिलक भी इसी से लगाते हैं, इसलिए मैं बड़ी हूं। बात से इससे पूछा भाई तुम तो छोटी हो, तुम ही मान जाओ मैं बड़ी छोटी हूं। कहा नहीं मैं छोटी नहीं हूं। कहा तुम कैसे बड़ी हो? कि भगवान को, कृष्ण भगवान को जब गोवर्धन पर्वत उठाया था ना, तो उनको मेरी इसी उंगली का सहयोग मिला था, इसी उंगली से गोवर्धन उठा था, इसलिए मैं तो बड़ी हूं। बात तो सही। संत जी ने कहा ठीक है तुम सब बड़े हो अपनी अपनी जगह, मैं मानता हूं, लेकिन एक काम करके देखो। क्या काम? एक परात में बूंदी ला करके रख दी और कहा आप सब इस अपने अपनी उंगली से लड्डू बना बना करके लाओ। बन सकता है? एक उंगली से बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो फिर क्या करना पड़ा? पांचों उंगलियों को कहा कि तुम सब मिल जाओ, और जब पांचों मिल गई तो लड्डू सहज बन गया। इसी तरह से हम सबके, हम कहें हम स्वर्ग बना लेंगे, आप कहें हम बना लेंगे, अकेले के लिए से नहीं बनना है स्वर्ग। गृहस्थ को आश्रम बनाना है, स्वर्ग बनाना है, तो सर्व का सहयोग चाहिए। और अभी बहन ने आपको बताया कि सहयोग से ही हर कार्य सहज हो सकता है। तो हमें सबको मिल करके एक आना दक्षिणा में बहन ने मांग लिया है। सुबह दोपहर शाम जो आपको समय सूट करे। पहला नंबर तो सवेरे का ही महत्व बताया, और सवेरे बुद्धि फ्रेश होती है, तो जब फ्रेश बुद्धि होती है तो उसमें ज्ञान या जो भी चीज डाली जाती है उस अच्छी तरह से बैठ जाती है। इसलिए बच्चों को भी सवेरे सवेरे उठा करके आप कहते सवेरे सवेरे आधा घंटा एक घंटा पढ़ ले, बुद्धि अच्छी है, अच्छा काम करती है, तो ये काम अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप सब ये सहयोग और देंगे कि तीन दिन कम से कम और आगे बढ़ाइए, है कर सकते हैं? तो सात दिन पूरे हो जाएंगे आपके, और सात दिन में कि जो चीज आपको अच्छी लगी है उसको जीवन में धारण करते जाइए। हंस बनकर मोती चुगकर अपने आप को परिपक्व बनाना है, ठीक है। तो आगे के लिए आप सबको पुनः निमंत्रण है कि आगे भी हमें अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाना। बहन ने बताया था ना कि सबके लिए तो आप समय निकालते हो लेकिन अपने लिए समय नहीं,
यही होता है ना। और ये जो पढ़ाई है ये अपने लिए है, हमें कुछ नहीं, एक घंटा नहीं तो आधा घंटा से इतना, एक घड़ी आधी घड़ी आधी की पुनिया, जिंदगी में फुर्सत तो किसी को नहीं है, लेकिन अपने लिए थोड़ी सी फुर्सत निकालनी जरूर है। ये लक्ष्य रखिए कि हमें अपने लिए करना है। अगर आप अपने लिए करने लग जाएंगे तो आपके जीवन से अनेकों को आपसे प्रेरणाएं मिलने लग जाएंगी और वो भी अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने लग जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको पुनः पुनः बहुत बहुत दिल की शुभकामनाएं, दुआएं कि आप सदा परमात्मा से जुड़कर अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं और वो जो लक्ष्य राजयोग का, क्या राजयोग का लक्ष्य बताया था, राजयोग का अर्थ बताया था, राजयोग यानी क्या, अपने जीवन में रॉयल्टी भरने वाला योग, है संस्कारों में कर्म में हमारे जीवन में रॉयल्टी है, राजयोग यानी रहस्य खोलने वाला, राज खोलने वाला योग, और राजयोग माना राजाई प्राप्त कराने वाला योग, ये वो योग है उसको अपने जीवन में लाना है और ला करके अपने जीवन को ऐसा श्रेष्ठ बनाना है। आज थोड़ा समय आपका अधिक हो गया है।